जिला रिपोर्टर मोहम्मद इम्तियाज आलम की रिपोर्ट। BUCI की ओर से दहेज प्रथा एवं नशाखोरी के लिए सख्त हिदायत और बच्चों को सही तालीम हो सके इसमें बिहार सरकार का साथ दें। सहरसा जिले के 70 कटिया प्रखंड स्तर पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें मौलाना मोजीबुर रहमान ने बताया कि लोग बहुत ही धूमधाम से इस प्रोग्राम में अपना अपना हिस्सा लिया है और बड़ी खुशी की बात है कि इस प्रोग्राम का मेन मकसद है कि कोई भी माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल जैसी आदत से दूर रखे, साथ ही अपने बच्चों को तालीम के बारे में समझाइए और सही तालीम दिलाने की कोशिश करे। और बताया जा रहा है कि जितने भी पिछड़े वर्गों के लोग हैं वह अपने बच्चों को सही तालीम दिलाएं जिससे कि अच्छी से अच्छी परीक्षाओं को पास कर सके, अपने देश गांव एवं जिला का नाम रोशन कर सके। और प्रखंड 70 कटिया के प्रखंड कोषाध्यक्ष एवं सेक्रेटरी के तौर पर मोहम्मद शाहनवाज हुसैन, कारी अब्दुल वाजिद, हाफिज सत्तार, मास्टर आलमीन, कारी फारूक, मुफ्ती आसिम एवं मुश्ताक कारी, इरशाद इत्यादि लोगों को शपथ दिलाई गई है एवं 14 पंचायतों से आए लोगों को इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने एवं साथ ही सही दिशा दिखाने का निर्देश भी दिए गए हैं। मैं कारी मोहम्मद इस्माइल, अध्यक्ष BUCI बिहार यूनाइटेड काउंसिल ऑफ इंडिया, इस तंजीम की जानिब से 19 दिसंबर इतवार 2021 को प्रखंड 70 कटैया के गांव 70 कटैया ईदगाह मैदान में एक प्रोग्राम मिशन एजुकेशन एंड यूनिटी का इनाकात किया गया। हमारे इस मिशन तालीम व इत्तेहाद मिल्लत का मेन मकसद है कि हमारे पूरे प्रखंड के हर पंचायत के हर गांव में पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चों के लिए काम करना, उनको एजुकेशन तालीम के लिए मोटिवेट करना, तालीम के लिए इंतज़ाम करना और समाज में फैली तमाम बुराइयों की रोकथाम के लिए कोशिश करना। दहेज जैसी लानत जो आज समाज पर एक अजाब बन के नाजिल हुआ है, इसकी रोकथाम के लिए भी कोशिश करना। बिहार सरकार जो नशा मुक्त बिहार प्रोग्राम चला रही है उसमें बिहार सरकार की मदद करना, समाज के पिछड़े हर वर्ग के लोगों के लिए काम करना हमारे इस तंजीम BUCI का अहम मकसद है।